मैं अनिल पहल आपका स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन माथेरन को, और हम सारे फेमस पॉइंट्स आपको दिखाने वाले हैं माथेरन के, कौन कौन से फेमस पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी जगह घूमने की है। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, बने रही मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं नेरल जंक्शन, और यहीं से अमन लॉज के लिए डायरेक्ट टॉय ट्रेन जाती है, जहां से आपको माथेरन 2 किलोमीटर है बस। बट अभी मॉनसून की वजह से, बारिश की वजह से वो टॉय ट्रेन बंद की हुई है, जिसको अभी अक्टूबर में चालू करने वाले हैं, तो इसीलिए हमें बाहर से टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। अगर आप पुणे से माथेरन आना चाहते हैं तो आपको पुणे से डायरेक्ट कर्जत के लिए ट्रेन लेनी होगी, जो कि आपको नेरल जंक्शन पहुँचाएगी। या फिर आप मुंबई साइड से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट कल्याण जंक्शन आ जाइए, वहाँ से आपको नेरल के लिए काफ़ी सारी लोकल ट्रेन्स मिल जाएंगी। तो आप जैसे ही नेरल जंक्शन से बाहर निकलेंगे तो आपको ये टैक्सी मेरे पीछे देखने को मिल रही है, ये 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लेंगे और डायरेक्ट आपको अमन लॉज उतार देंगे। वहाँ से माथेरन की दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं या फिर आप टॉय ट्रेन में भी वहाँ तक जा सकते हैं। तो हम टैक्सी में बैठ चुके हैं और यहाँ से करीबन 20 से 25 मिनट का ये रास्ता होने वाला है। और भाई जैसे ही टैक्सी शहर से निकलेगी तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिला। आप देख सकते हैं कितनी धुंध हो रखी है यहाँ पे, बिल्कुल रोड भी पूरा गायब होने वाला है। फाइनली 20 मिनट के सफर के बाद हम पहुंच चुके हैं अमन लॉज। माथेरन में एंट्री करने से पहले आपको टिकट लेनी होगी, जिसका अडल्ट का प्राइस है 50 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये। तो हम अभी एंट्री कर चुके हैं और हम अभी जा रहे हैं टॉय ट्रेन की टिकट के लिए, और हमें देखना होगा कि कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, कितना टाइम हमें वेट करना पड़ेगा ट्रेन का। अगर आपको टॉय ट्रेन से नहीं जाना तो आप इनसे बैटरी रिक्शा से भी जा सकते हैं, या फिर आप घुड़सवार होके भी माथेरन तक पहुंच सकते हैं अमन लॉज से। और अगर आपको अमन लॉज पे स्टे करना तो काफी सारे होटल के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहीं पे छोटा सा टिकट काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आपको टॉय ट्रेन के लिए टिकट लेनी है, जिसका 55 रुपीज़ चार्ज है। और इसी के बाहर आपको चार्ट बोर्ड भी दिया गया, जिसपे माथेरन से आने जाने वाली सभी ट्रेन की टाइमिंग्स दी गई है। भाई अभी 9 बजे हैं सुबह के, और 9:30 बजे हमारी ट्रेन है, तो कम से कम आधा घंटा ट्रेन का वेट करना है यही अमन लॉज स्टेशन पे बैठ के, जो हमें आगे ट्रेन माथेरन तक ले जाएगी। तो हम अभी माथेरन स्टेशन पहुंच गए हैं और अभी हम कोई होटल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें स्टे करना है एक दिन के लिए यहाँ पे, एक दिन रुक के फिर हमें अगले दिन यहाँ से निकलना है। और अगर माथेरन में भी आपको लग रहा है कि आप ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप घोड़ों पे भी जाके माथेरन विजिट कर सकते हैं, जिसमें सारे पॉइंट आपको कवर करवाएंगे। माथेरन स्टेशन से पहले ही आप ये सारे देख रहे हैं जो कॉटेजेस और होटल बने हुए हैं, जहाँ पे आपको 700 से 800 रुपए में रूम मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली हम तैयार होकर अपने रूम से निकल चुके हैं ट्रैकिंग के लिए, और देखते हैं आज, अब करीबन 1 बज चुका है दिन का और 5 या 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो देखते हैं हम कितने पॉइंट कवर कर पाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम माथेरन में आपको लेके जाने वाले हैं लॉज गार्डन में। और इसी गार्डन के अंदर है माथेरन का सबसे पहला माधव पॉइंट, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा पहाड़ देखने को मिलेंगे, नीचे पूरा खाई दिखेगी आपको। तो ये है दोस्तों माधव जी पॉइंट, और कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो अभी हम जा रहे हैं खंडाला पॉइंट माथेरन का, देखते हैं क्या दिखाया है इसमें भाई, नीचे जाके जल्दी से खंडाला पॉइंट माथेरन में जल्दी से एक बार जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हमने कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सारे पॉइंट कवर करने जितने हम कर सकते हैं अंधेरा होने से पहले। थोड़ा गीला हो गया तो हमें आराम से चलना पड़ रहा है, क्योंकि भाई पैर फिसल सकते हैं।
बारिश की वजह से अगर पैर थोड़ा सा भी फिसला तो सीधे गए फिर डायरेक्ट खंडाला ही पहुंच जाओगे। ये है भाई देखिए खंडाला पॉइंट माथेरन का, काफ़ी ज़्यादा फोग है बारिश की वजह से तो शायद ही आपको कुछ दिख पाए, बट कोशिश करेंगे कि क्या है यहाँ पे वो देखने की। तो ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं पहाड़ है झरने हैं, बट ज़्यादा फोग होने की वजह से हम आपको कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरा फोग हो गया तो इसलिए सब कुछ धुंधला हो गया, पूरा सफ़ेद दिख रहा नीचे। तो भाई ये वाला खंडाला पॉइंट हमारा कवर हो गया है, अभी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर और जल्दी से वहाँ पे पहुँच के आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पॉइंट माथेरन का। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ से तीन रास्ते निकले हुए हैं, ये रास्ता जा रहा है डायरेक्ट आपका अलेक्जेंडर पॉइंट की ओर जो कि यहाँ से करीबन 20 मिनट की दूरी पे है, और ये वाला जा रहा है यहाँ से चार पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, मंदिर लेक काफी सारे पॉइंट यहाँ से है। तो अभी देखना है हमें कि किस रास्ते पे जाते हैं हम। तो दोस्तों हम बढ़ रहे हैं माथेरन के चारों पॉइंट की ओर जिनमें लेक है, हनीमून पॉइंट है, इको पॉइंट है, तो टोटल मिला के चार पॉइंट है, उनको जल्दी से कवर करते हैं, वो इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि क्या नज़ारा है माथेरन का। पॉइंट है वेस्ट एंड होटल आएगा, आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेना है, पहले लेक आएगा फिर उसी से घूम के आपको तीनों पॉइंट मिल जाएंगे बाकी के। कैसा लग रहा भाई है? एक नंबर लग रहा है, मौसम की क्या बात है, मौसम एक नंबर है, घूमने में मजा आ रहा है। सिर्फ मौसम ही दिख रहा, कुछ और नहीं दिख रहा। और क्या देखना चाहते हैं? आप देख सकते हैं काफी दिलचस्प यहाँ का जो है ये रास्ता है लेक का, दो रास्ते जा रहे हैं उधर भी इधर भी। देखिए पक्षियों की चहचहाट हो रही है, सभी टूरिस्ट अपना आराम आराम से जा रहे हैं। यहाँ से रास्ता बिल्कुल छोटा सा हो गया है और यहाँ से अभी आई थिंक 5-10 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है। पीछे और भाई कोई टेंशन नहीं है, बस एक ही टेंशन है कि आरती थक सकती है। क्यों आरती का क्या है, मार दूंगा दिमाग। काफी चलना पड़ेगा क्योंकि आज कम से कम 7-8 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा अगर हमें 6-7 पॉइंट कवर करने हैं यहाँ के माथेरन के। आरती में तो कम से कम 6-7 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, ज्यादा भी हो सकता बट इससे कम नहीं हो सकता। तो तैयार रहिए महारानी। तैयार ही है, तो नेटवर्क बिल्कुल ही चले गए महाराजा। अच्छा जी भाई एक चीज का ध्यान रखना, जैसे भाई हमारे साथ चल रहे हैं सारे तो आप भी मिलजुल के चलना है, यहाँ पे 2-4 आदमी अकेले कोई मत आना, थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ऐसे ऐसे रास्ते हैं जंगल में, अगर आप भटक गए तो शाम तक आप इधर उधर घूमते रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि माथेरन में कहाँ जाना है। तो कोशिश कीजिएगा कि 2-4 आदमी हो तो उनके साथ ही चलिए आप। जो भाई तुम भी हाथ पकड़ो मेरा, आराम से उतरना, पत्थर है भाई गिर जाओगे। भाई हम पहुंच चुके हैं खंडाला लेक और अभी आपको दिखाने वाले क्या मस्त व्यू है यहाँ का, लोग नहा रहे हैं भाई। ये देखिए हमारे पीछे, ये देखिए था माथेरन लेक और काफी इंजॉय किया हमने यहाँ पे, और आप भी जब यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे जरूर घूमने आइएगा। और ये आ चुका है दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट। और देखिए दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ एक अमेजिंग व्यू पॉइंट पे जहाँ पे आपको झरना भी दिखाऊंगा, पहाड़ भी दिखाऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग जो भी नेचर ने बनाया है वो सब आपको दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पे।
देखिए दोस्तों, आपको हर जगह पे जहाँ भी दो रास्ते जाएंगे एरो दिए होंगे कि किस तरफ कौन सा रास्ता जा रहा है। यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक इको पॉइंट की ओर जा रहा है और एक एडवर्ड पॉइंट की ओर। तो हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है यहाँ से, देखिए आप कैसे पूरे ढलान से उतरना है। तो आप प्लीज़ संभाल के उतरिएगा, आराम से बेटा, आराम से। अरे भाई, और देखिए भाई, ये है किंग जॉर्ज पॉइंट और भाई बहुत बड़ा झरना बह रहा भाई यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आप सबको कितना बड़ा झरना यहाँ पे बंदे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ा झरना बह रहा भाई यहाँ। भाई कई जगह ऐसा ऐसा रास्ता है, बिल्कुल आप देख लीजिए, इसी में से जाना पड़ेगा बिल्कुल, और आपका पैर बार बार फिसलेगा, तो आपको संभल के चलना है इस रास्ते से। ये देखिए आरती जी को देखिए कैसे चल रहे हैं भाई। लेकिन जो भी है मज़ा आ रहा है ट्रैकिंग करने में, थोड़ी थोड़ी थकावट भी हो रही है बट इंजॉय आ रहा है। इतने अच्छे अच्छे पॉइंट है, इतना अच्छा व्यू है माथेरन का, बहुत अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये हम आ गए हैं हनीमून पॉइंट पे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। भाई जिनकी भी नई नई शादियां हुई है यहाँ पे जरूर घूमने आइए हनीमून पॉइंट पे, काफ़ी अच्छे अच्छे फोटो क्लिक होंगे आपके यहाँ पे। और फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा कपल्स हमें इसी पॉइंट पे देखने को मिले, हनीमून कपल माथेरन। और दोस्तों, फाइनली आ चुका है इको पॉइंट। यहाँ से आप अगर आवाज़ लगाएंगे तो वापस से आपको ही सुनेगी। तो चलिए, जैसे कि ये इको पॉइंट है, यहाँ पे आवाज़ लगा के देखते हैं किसको। विशाल, नहीं आ रही कोई आवाज़, नहीं आ रही क्योंकि अभी बारिश कम हो रही है, धूप निकली हुई, इसलिए इको पॉइंट काम नहीं कर रहा है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। और दोस्तों, घूमते घूमते अगर आप थोड़ा थक जाओ, आपको भूख लगे, तो यहीं पे इको पॉइंट में हनीमून पॉइंट के पास में ही आपको बहुत सारे फूड स्टॉल्स दिए हुए हैं, जहाँ से आप मैगी वगैरह या कुछ भी स्नैक्स आइटम खा सकते हैं। और ऐसी मिलेगी भाई मसाला मैगी 60 रुपये की। दोस्तों, अगर आप ट्रैक से पैदल चल के माथेरन आते हैं तो आपको रास्ते में ही मायरा पॉइंट मिलेगा। अभी उस भी पॉइंट की ओर हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है पॉइंट। तो देखिए, कुछ इस तरीके का मायरा पॉइंट, और पूरा फोग होने की वजह से ये भी वैसा ही हो गया, पूरा डार्क आउट हो गया है। जो सामने के पहाड़ है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, बट माथेरन में यही मज़ा है आने का। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम मायरा पॉइंट पर खड़े हुए हैं, और भाई क्या नज़ारा, ये मेरे पीछे आप देखिए कितना ज़्यादा फोग हो रखा है यहाँ पे, देखिए। और यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पीछे पहाड़ है, तो यहाँ देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा नीचे खाई में पहाड़ बने हुए हैं। यही नज़ारा आपको भी देखने को मिलेगा जब माथेरन आप आएंगे, बट सिर्फ बारिश के मौसम में, मानसून के मौसम में आप आएंगे तो ऐसे ही धुंध आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको यहाँ पे छोटे छोटे झरने आपको देखने को मिलेंगे माथेरन जब आप आते हैं। तो यही पे यहाँ पे मतलब जो फेमस जगह है, क्यों इसको माथेरन लोग घूमने आते हैं, यही जो आप पीछे छोटे छोटे झरने देख रहे हैं, इन्हीं को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और जो फोग बन रखे पीछे, मतलब नेचर का एक पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रखा है माथेरन में। दोस्तों, अगर आप पैदल चल के भी माथेरन तक जाते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रास्ता है, रास्ते में कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आई होप आप सबको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और बड़ी जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ओम साई राम।